तो एक बार फिर से माउंटेन फैमिली आपका स्वागत करती है अपने इस चैनल में। तो शिवम हम एक बार फिर से स्वागत कर रहा आप सभी का। तो आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है बिकॉज वो बताएगी प्रकृति व्हाई। क्योंकि आज है शिवम ठाकुर की फर्स्ट बर्थडे की पार्टी। तो उस दिन जो आया था वो सिर्फ ट्रेलर था, ऐसे ही था, बट जो आज है वो असली धमाल होने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड विद माउंटेन फैमिली। और शिवम भी कुछ बोलना चाहता आपको, हमारी पार्टी में जरूर आना। तो भाई आज सुबह ही उठ चुका है और सुबह सुबह इसको नहा लिया है, तो बस अभी सुबह सुबह इसकी पूजा है। एक्चुअली छोटी सी पूजा रखी है क्योंकि हमारे कल्चर में पूजा होनी जरूरी है। यस, सब कुछ होता है ना ग्रह शांति की। और यहाँ पे आज बेसिकली हमारी कुलवी धाम बनने वाली है। तो कुलवी धाम में जब ऐसे 7 से 8 आइटमें होती हैं, बट हम 5 बना रहे हैं। तो अभी शिवम अपने डॉक्टर सेट के साथ खेल रहा है, अपने मींस इसकी बहन के। हाय शिवम, गुड मॉर्निंग। चलो सबको गुड मॉर्निंग कहो और कहो मेरी पार्टी में जरूर आओ। तो शिवम बिजी है इस टाइम बिल्कुल। तो हमने अभी कुछ दिनों पहले अपनी लव स्टोरी की वीडियो डाली थी, तो उस वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, अब शिवम हम बाय करेंगे क्योंकि अब पूजा में जाना है। जाएंगे पूजा में, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा, नहीं तो ये पागल हो जाएगा। ओके पापा, कहाँ इसका खाना? तो कौन कहता है कि भाई मोटे होने का फायदा नहीं है? मोटे होने का फायदा होता है जब आप बाप बनते हो, तो आप अपने इस मटके पे यूं ऐसे करके सही रिलैक्स मिल जाता है कि नहीं पापा? तो देखो बच्चों के लिए ये बिल्ड करना पड़ता है, तो अभी 1 साल तक और रखूंगा, उसके बाद इसको गायब। विश्वे देवा संति करा भवन भो निकालो जी, आटे का दूसरा वो निकालो आप। तो इसको पैक करके रखा पेटी में ताकि ये शरारत ना कर सके। मजा आ रहा है। नमः स्वाहा कुल देवताय नमः स्वाहा, जन छोड़ दो धरती में धन संति न शांति वनस्पति शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म सुशानम कल्याणम कल्याणम नमस्कार। इसके आप क्या बना रहे हैं? तो अभी पूजा खत्म हो चुकी है और मैं और अद्विका, ये तो मुकेश है, मैं और अद्विका, हम दो दोनों क्या कर रहे हैं कि शिवम के बर्थडे की तैयारी हो रही है जो कि शाम को है, और लोग भी शाम को आने वाले हैं, बट अभी क्या कर रहे हैं हम, तो अभी हम फुला रहे हैं गुब्बारे। तो ये है बहुत ही अच्छी चीज प्रकृति ने ली है, ये एक्चुअली ये पिचकारी का ही, वैसे ये पिचकारी जैसा, तो बहुत इजी हो जाता है इससे हवा भरना। ये है अपनी बुआ के साथ और ये खेल रहे हैं अभी। तो बाप और बेटे देखो मैचिंग मैचिंग टोपी पहनी आज, राइट। तो दिन के लगभग 12:30 बज चुके हैं और अभी तक आपके बलून नहीं फूले, क्या कहना चाहोगे प्रकृति इस बात पे? ये बाद में ही फूलने चाहिए क्योंकि ज़्यादा टाइम के रखे हैं अगर बलून को तो वो फटने में शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए। तो यहाँ पे साथ में आ चुकी हैं शिवम की मासी। चलो मेरी तरफ बोलो, एक ऊँट ऊँचा, एक ऊँट ऊँचा, एक ऊँचे ऊँट की ऊँची पूँछ ऊँची। बेटा आज होली नहीं है, अच्छा ये सिर्फ हवा भरने के लिए है। तो अपनी मासी को देख के बहुत खुश आज शिवम कि मेरी मासी आ चुकी है। तो प्रकृति सिंह ने अपना पूरा टैलेंट दिखाते हुए पूरे बलून का बना लिया है, क्या बलून की आर्च बनाई है। तो देखते अभी क्या करती है प्रकृति अपने कर कमलों से। तो उसकी शिवम की बुआ भी आ चुकी है देखने, बड़े पापा के गोदी में बैठा हुआ है शिवम, और दीदी का पचरोड़ा मार दिया। और सुबह रोई थी तू आज ना कि किसने मारा था, ना मारा था ना इसने। डेकोरेशन हो चुकी है ऑलमोस्ट कंप्लीट, अब हम तैयार होने जा रहे हैं।
और शुभम हमको भी तैयार करने जा रहे हैं। और ये जो जितनी भी बर्थडे डेकोरेशन है ये की गई है मेरे द्वारा, तो देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत डेकोरेशन की है नवीन ठाकुर ने। तो टैलेंटेड आदमी ऐसे ही होते हैं। मैंने उसकी मुंडी आ नहीं रही थी तो प्रकृति ने यहाँ से थोड़ा सा फाड़ दिया उसका ये कुर्ता बोला। तो शिव ये रहा शिवम का कुर्ता। ये हुई कि हमने पहले चेक नहीं किया, जब ये आया ही था ना उसी टाइम पे, तो वो आपको चेक करना चाहिए ना, और कौन चेक करेगा। हाँ गलती हुई ना, ये पजामा बहुत ज्यादा पतला है। वाओ कितना क्यूट सा लग रहा है मेरा लोकल शोरू। लोकल शोर हाय 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 हाय, लुक एट हिम हाउ ब्यूटीफुल ही इज। हाय 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 हाय, क्या बात, बहुत टाइट हो गया। तो ये हूँ मैं शिवोहम, और यहाँ पे तो अब हम रेडी हो चुके हैं और बाहर सब आ चुके हैं लगभग, तो लगभग तो नहीं आए भी आधे आए हैं, तो बस अब मैं सीधा बाहर ले जाऊंगा और देखते हैं नजारा कैसा है। अदु डांस करो सब। शिवोहम आज बहुत चुप बैठा है क्योंकि यहाँ सारे लोग हैं और लोगों के सामने ऐसी। अच्छा लोग किसकी कृपा से? भगवान की कृपा। नहीं नहीं मेरी कृपा से है ना, लोगों के सामने पापा की तरह शरीफ बन जाता है ना। रख दे यहाँ पे। चल चल तू ही मानिए, ठीक है कोई बात नहीं। क्यों रो रहा है शिवोहम? शिवोहम को केक तोड़ना है उसको। अभी प्रकृति एक गेम खिलाना चाहती है, पता नहीं कौन सी, बता दे थोड़ा जैसा। बलून फोड़ने की गेम है। तो किस किस बलून पाँव में लगाएंगे और दूसरा जो है फोड़ेगा, वो फोड़ेगा। तो यहाँ थोड़े अपने फैमिली मेंबर और से मिला लेता हूँ। माउंटेन फैमिली हमारी बहुत बड़ी है। तो ये है, ये अभी ताज़ा लेटेस्ट सदस्य है हमारी फैमिली की, शंभवी। और इन भाई साहब को तो जानते, जिन्हें डर लगा था काफी उस कैंपिंग में। भाई ऐसे तो कोई बात नहीं, नहीं भाई ऐसी बात नहीं, बहुत एंजॉय किया, आज भी एंजॉय कर रहे हैं, आज भी एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे जो दो ये दिख रही है, ये देखो ये कहाँ गए ना, जोगनी फॉल। हाँ तो जोगनी वाटरफॉल के टाइम पे ये दो लड़कियाँ, एक ये और ये थोड़ी बड़ी दीदी जो है हमारी, और ये भाभी जी हमारी जिसने पराठे बहुत टेस्टी बनाए थे, और इनसे छोटी भाभी दादू की गोद में, दोनों दादू की गोद में। शिव शंभू हेलो। तो यहाँ पे ताज़ा कंपटीशन हो रहा है, जितनी भी मम्मियाँ हैं उनको। तो गेम ऐसी है कि आपकी सब मम्मियों के पाँव में बलून्स बांधे हैं दो, ठीक है, तो
अपने अपने मम्मी के पास जाके खड़े होना है जब मैं बोलूंगी, ठीक है तब। और मम्मी जो है आपसे बलून बचाएगी, आपने फोड़ने की कोशिश कर ली है, मम्मी ने बचाने की कोशिश की है, ठीक है। बस अपने अपनी मम्मी को पहचानते हो ना सब, भूल मत जाना। अच्छा जो जल्दी दोनों बलून्स को फोड़ेगा वो विनर। तब तो मम्मी जान बूझ के रखेंगी, लो भाई फाड़ो। जो मम्मी हारेगी उसके लिए सजा होगी ना, और ये बच्चा मैं जीत जाऊंगा, हम जीतेंगे, तुम जीतोगी। स्टडी स्टडी गो। ओए वो बचाओगी? अरे जल्दी इसके ओ बस सही बस सही। अरे जल्दी फट। अरे जोर लगा, तू क्या कर रही है? ओए आरे नोरे रह गए। ओ मार बाबू, मार मार बाबू, फाड़ ले बाबू, फाड़ ले बाबू, फाड़ ले। यहाँ भी आकर्षित भी ना है। दो आकर्षित विनर हैं, ठीक है। क्लैपिंग, चलो क्लैपिंग करो सबको। और गर्ल्स में मम्मा हार गए, आकर्षित भी मम्मा करेंगे डांस के लिए विनर ये क्लैपिंग विनर के लिए। चलो अच्छा सारों को आगे आगे पास करना है, बच्चे बच्चे के लिए नहीं, बच्चे होते हैं सब देखेंगे सबके हाथ छुप जाए तू रैंडम नहीं करके देखती करेगी। अरे आ गया कौन से गाने पे डांस करना आपने, या पोइम भी सुना सकते हो आप? तो अब थोड़ा खाना खाने आए हम, अब धाम खाएंगे बैठ के। और धाम खिलाने वाले हमारे पास हैं पूजनी अंकल जी। और अंकल जी धन्यवाद, जल्दी जल्दी खिलाओ, भूख लगी बड़ी बारी। ये हमारे पंडित जी हैं हमारे, ये हमारे अंकल जी डॉक्टर हैं वैसे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपना शिवोहम का बर्थडे की जो पार्टी थी वो क्लोजिंग हो चुकी है। तो आप देखिए सब खाली हो चुका है, घर जाने वाले जा चुके हैं, खाना खाने वाले खा चुके हैं। तो मम्मा कैसा रहा आपका दिन आज का? बहुत बढ़िया बढ़िया, मज़ा आया। मम्मी के रिश्तेदार भी आए थे, सबके रिश्तेदार आए थे, मेरे ससुराल वाले, मम्मी के ससुराल वाले, पापा के ससुराल वाले। तो ये था शिवोहम के बर्थडे 2021 में। अब पूछते हैं जरा पापा जी से, कैसे बनते थे पापा? हैं हम नहीं मनाते थे, बहुत कम जाके, वो भी बाद में, पहले तो बर्थडे का बहुत कम रिवाज, गांव में बहुत कम रिवाज होता है, अब जाके, अब तो हर जगह है। पार्टीज इसीलिए होती कि चलो फैमिली गेट टुगेदर हो जाए, अदरवाइज कहाँ पे मिलना, कब मिलना है कि नहीं, ऐसे तो मिलते नहीं है। चलो बहाना हो जाता है, ऐसा आ जाते हैं सब। तो बस वही, तो वो ट्रेलर था, ये मूवी थी यार। तो फाइनली शिवोहम की बर्थडे पार्टी हो गई है ओवर, और मेरा और प्रकृति का निकल चुका धुआं। क्यों? साफ सफाई करते करते भाई, सिर्फ मेरा, हमारा नहीं, पूरे फैमिली का, पूरी फैमिली अब इस टाइम पे बिजी है, अब सफाई करने में, क्लीनिंग सारी, जितने भी खलारा बोलते हैं हम, तो हमारे खलारा बोला जाता है, समेटना धाम बहुत ही स्थिति। तो धाम का दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं बिजी था, और नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो जरूर मैं धाम बताऊंगा आपको, कुल भी धाम कैसी कैसे होती बनाते है। हैं और जो चीज़ चिली बना था उसकी तो तारीफ कर करके थके नहीं यार, बहुत ओवरऑल अच्छा था, बिना कम, बहुत कम मसाले थे, पेट भी सही रहा, कोई दिक्कत नहीं आई, और बस मज़ा आया यार। यही होता है कि बर्थडे का देने, बर्थडे पार्टी करने का मेनली यही होता है कि अपनी फैमिली की गेट टुगेदर हो जाती है, मेन तो वही होता है, वही होता है, पर ओवरऑल मज़ा आया। में थोड़ी बहुत हमने गेम्स रखी थी ताकि थोड़ी सी, जोड़ प्रकृति ने जो गेम रखी थी ना, इस लड़की ने ऐसी गेम रखी थी कि बेचारे आज एक तो नॉट प्लान था, एग्जैक्टली प्लान नहीं था, और दूसरा जो इसका वो था
पास द क्या था वो तो रखी ही नहीं थी एक्चुअली वो तो रखी नहीं थी स्पॉट उसमें लोग शर्मा रहे थे यार सब रिश्तेदार हम ना करेंगे इसके पापा की दो बार टर्न आई तो शिवम के नाना जी की दो बार टर्न आई और उन्होंने दोनों बार रिफ्यूज कर दिया डांस करने से बड़े तो ऐसे ही करते हैं ऐसे ही करते हैं तो हमारी लव स्टोरी में एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा गया था कल्चर डिफरेंस की आप एक ही जगह में हैं तो आपके कल्चर का कैसा डिफरेंस तो मेरा घर और इसका घर लगभग 3 किलोमीटर दूर है तो एंसेस्टर्स हैं हम बिलोंग करते हैं मंडी कांगड़ा साइड से तो मतलब हमारा थोड़ा जो है हम बोलते हैं नीचे का कल्चर नीचे का कल्चर है और ये है बिल्कुल पहाड़ी बिल्कुल टिपिकल पहाड़ी आग लगी बस्ती में पहाड़ी रहे मस्ती में लगता है हैंगओवर में अभी नहीं 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 मैंने कुछ ऐसा किया नहीं तो वो कल्चर डिफरेंस है कि ये है बिल्कुल टिपिकल पहाड़ी और मैं बात करेंगे हम उसका Q&A काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ पूछा है उसके बारे में बताएंगे और काफ़ी वीडियोस के बारे में भी काफ़ी कुछ पूछा है तो बस आज की इस वीडियो आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स तो अब बस इसके बाद वही हमारा पुराना सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा ट्रैवल करने का और कहीं ना कहीं जाएंगे आपको कुछ कल्चर से रिलेटेड दिखाएंगे आजकल अब बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो हाँ छुट्टियां भी चल रही हैं और घुमाने ले जाना है और ऊपर वाले की दया से कल बारिश होना स्टार्ट भी हो चुकी है आज भी बारिश तो शायद जो सूखा पड़ा है हमारे यहाँ पे वो अब थोड़ा सा तो कम हो जाएगा राहत मिलेगी तो बस फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।